नमस्कार कक्षा तृतीय के भैया बहन, आज की कक्षा में हम आपके पाठ्य पुस्तक से झरना कविता को लेकर उपस्थित हैं। इसे पढ़ेंगे और इसके अर्थों को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। झरना कविता में कवि झरना के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाह रहा है जो हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण का है। कवि कहता है कि ऊंचा ऊंचा वह पर्वत है, पर्वत से झरना झरता है, झर झर झरना कुछ कहता है, कभी न सोता बस बहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पर्वतों से झरना झरते हुए अर्थात बहते हुए और अपनी लहरों की आवाज से कुछ कहना चाहता है। वह कभी सोता नहीं है, बस निरंतर बहते रहता है और बहते बहते कुछ संदेश हमें देते जाता है। दूसरी पंक्ति में वह क्या संदेश देता है इसे हम जानेंगे। जीवन यह विश्राम नहीं है, चलना चलना चलते रहना, अथक पथिक का बढ़ते रहना, सुबह शाम आराम नहीं है। जीवन जो है मनुष्य जीवन वो विश्राम करने के लिए नहीं है, हमेशा निरंतर चलते रहने का नाम है। हमें अथक पथिक की तरह जो राहगीर थकता नहीं है उस राही की तरह हमेशा हमें आगे बढ़ना है बिना सुबह शाम आराम किए हुए, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी पंक्ति में कवि यह बताता है कि कदम कदम पर चट्टाने हो, राह रोकते पाषाण अड़े, टकराती लहरों पर लहरे, झुकती जाए दीवारे हो। झरना के रास्ते में आने वाले कदम कदम पर बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, पहाड़ अड़कर खड़े हो जाते हैं, फिर भी झरना डरता नहीं है। वो अपनी लहरों को उस पर बार बार टकराता है और टकरा टकरा कर उन दीवारों को तोड़ देता है, उन पत्थरों को बालू में परिवर्तित कर देता है, तोड़कर उनके चूर्ण बना देता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। अर्थात झरना के सामने आने वाले ऊंचे ऊंचे दीवार भी झुक जाते हैं। चौथे पंक्ति में झरना को देखिए वो क्या करता है। झरना बहता उछल उछल कर, राह नहीं वह निर्मित करता, निर्झर झर झर गूंज गूंज कर, आगे की है राह दिखाता। झरना जो है वो बहते रहता है, कैसे बहता है, उछल उछल कर बहता है, उसकी लहरें उछाल मारते हुए आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं और पूरे हौसले के साथ वो अपना नया रास्ता भी बना लेता है। और झरना बहते बहते अपनी लहरों की गूंज से हमें यह संदेश देता है कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है और आगे की राह को देखना है, और वह हमें आगे की राह भी दिखाता है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार झरना झरते हुए बहते हुए अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, समुद्र के आगोश में जाकर विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करना होगा और थकना नहीं होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा, हार नहीं मानना होगा। यही झरना हमें संदेश देता है। धन्यवाद। आगे प्रश्न उत्तर मैं भेज रहा हूँ, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में सुलेख पर ध्यान देते हुए लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।